मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लैट की लोकेशन की। मोहन गार्डन का एरिया है दोस्तों, मेन मेट्रो लाइन से इसका जो डिस्टेंस है वो करीबन 1 किलोमीटर है और जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो नवादा मेट्रो स्टेशन है। इस बिल्डिंग का जो कंप्लीट साइज है वो 200 स्क्वायर यार्ड है और 200 स्क्वायर यार्ड में दोस्तों 3 यूनिट्स इसमें बनी हुई है। एक यूनिट हमारी 3 BHK की है जो कि 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है और 2 यूनिट्स हमारी दोस्तों 2 BHK की है जो कि 55 स्क्वायर यार्ड और 55 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है। और स्लैब एरिया की अगर हम बात करें तो 60 स्क्वायर यार्ड और 60 स्क्वायर यार्ड इसका स्लैब एरिया है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ विजिट करने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैट कम से कम 65 गज में बना हुआ है क्योंकि फ्लैट की मेकिंग काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट भी मिलती है और कार पार्किंग भी मिल जाती है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन भी आप इजीली ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी विजिट आपकी अपने इस फ्लैट की। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे लिविंग स्पेस से और हमारी एंट्री से। यहाँ से दोस्तों हमारी एंट्री है, हम लोग स्टेज से ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद हम लोग एंटर करते हैं हमारे लिविंग स्पेस के अंदर। लिविंग स्पेस का साइज जो है दोस्तों बहुत अच्छा है, करीबन 14 फीट बाय और लगभग 11 फीट का साइज है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें जो सोफे की प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है। यहाँ आप देखेंगे कि आप यू टाइप का सोफा लगा सकते हैं, 8 से 10 लोगों की सिटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीच में आपका टेबल लग जाएगा, सेंटर टेबल, देन ठीक सामने दोस्तों हमारा LED पैनल है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी वॉल की। तो यहाँ हमें बहुत प्यारी और खूबसूरत डिजाइनर वॉल मिलती है। अभी ये दोस्तों एक सैंपल फ्लैट रेडी हुआ है, अगर आप चाहते हैं वॉलपेपर चेंज करना तो आप अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर भी लगवा सकते हैं। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो हाई ग्लोस की टाइल्स यहाँ इस्तेमाल की गई हैं, बड़े साइज की टाइल लगाई गई हैं और काफ़ी दोस्तों अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं। तो इसकी जो चमक है, इसमें जो ब्यूटी है इसकी, वो सालों साल तक ऐसे ही बनी रहेगी। रूफ की बात करें तो फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आपको प्रॉपर मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा LED लाइट एंड कॉब लाइट के साथ आपको डिज़ाइन मिल जाता है। इस लिविंग स्पेस के अंदर AC लगाने का प्रोविज़न भी आपको मिलता है, यहाँ आपको AC की प्रॉपर फिटिंग मिलती है, आपको सिर्फ इनडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। सोफे पर बैठकर दोस्तों आप अपना TV शो एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ठीक सामने काफ़ी बड़ा और बहुत ही प्यारा LED पैनल आपको मिल जाता है। LED पैनल दोस्तों सिर्फ TV लगाने के काम ही नहीं आएगा बल्कि यहाँ 2 डोजेस भी दी गई हैं बड़ी बड़ी, यहाँ आप अपने घर का कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर भी आपको स्पेस मिलता है और यहाँ पर भी आप अपना कोई डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ओवरऑल लिविंग स्पेस। स्पेस के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी किचन के बारे में। काफ़ी प्यारी खूबसूरत और अच्छी किचन आपको यहां पर मिलती है। साइज की अगर बात करें तो अप्रोक्स दोस्तों 7 फीट बाय और 5 फीट की हमारी ये किचन है। ऑलमोस्ट दोस्तों वाइट थीम यहां रखा गया है। यहां जो आपको टॉप मिलेगा वो एल टाइप का मिलेगा, प्योर वाइट कलर में है दोस्तों। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सिंक मिल जाता है, जगुआर की फिटिंग आपको आपकी किचन में मिलती है दोस्तों। स्टोरेज की अगर बात करें तो स्टोरेज आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलती है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बास्केट यहाँ यूज़ की गई हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और हर तरह की क्रॉकरी रखने के लिए आपको प्रॉपर बास्केट यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ इनफ है, काफ़ी साइज़ है दोस्तों, ऊपर और नीचे काफ़ी सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। ड्यूअल शेड में किचन बनाई गई है, मेन थीम वाइट कलर है लेकिन नीचे वुडन कलर का इस्तेमाल किया गया है, ब्राउन कलर का दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा आपको गेटअप आपकी किचन का देता है। दोस्तों सीलिंग की अगर बात करें तो बहुत प्यारा और अच्छा डिज़ाइन आपको सीलिंग का यहाँ पर मिल जाता है। आप देखेंगे कि LED लाइट एंड कॉब लाइट के साथ
एक बहुत ही प्यारा और यूनिक डिजाइन आपको आपकी किचन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जो भी बहनें हमारी किचन में काम करती हैं वो अक्सर ये डिमांड करती हैं कि जो चूल्हे का स्पेस है वो ऐसा होना चाहिए, जो गेस्ट रूम हम लोग रखते हैं वहाँ जब हम लोग खाना बनाएं तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों वास्तु के लिहाज से भी आपकी किचन बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ये जो चिमनी का स्पेस है इसके ठीक नीचे आपका चूल्हा होगा, और जब आप लोग खाना बनाएंगे, जो हमारी बहनें खाना बनाएंगी, उनका जो फेस होने वाला है वो ईस्ट की तरफ होने वाला है। तो वास्तु के लिहाज से भी किचन काफ़ी परफेक्ट है आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले बेडरूम के बारे में। ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं सबसे पहले तो 11 फीट बाय और लगभग दोस्तों 10 फीट का हमारा ये बेडरूम है। इसके साथ हमारा एक वॉशरूम भी अटैच है। बहुत ही अच्छी कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, प्योर वाइट कलर की टाइल्स है। आपको ठीक ऐसा लगेगा जैसे मार्बल का पत्थर लगाया गया है दोस्तों, स्टोन्स यहाँ लगाए गए हैं और हल्की सी इसमें ब्राउन कलर की लाइनिंग्स है। तो बहुत प्यारी गेटअप हमारी हमारे टाइल्स का यहाँ पर हमें मिल जाता है। इस रूम के अंदर दोस्तों आपके जो बेड की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप देखेंगे कि 6x6 का बेड डालने के बाद भी आपको दोनों तरफ रोम अराउंड करने के लिए इनफ स्पेस मिल जाता है। बात करते हैं वॉल की, तो एक वॉल आपको डिजाइनर मिलती है, आपको 3D लुक के वॉलपेपर्स दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग का डिज़ाइन आपको प्रॉपर मिलता है, पूरी रूफ को कवर किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बड़ी विंडो भी आपको मिल जाती है, क्योंकि ये रूम हमारा बालकनी के साथ अटैच है। तो आप देखेंगे दोस्तों ऊपर आपको विंडो एसी लगाने का प्रॉपर प्रोविजन मिलता है, बीच में सेफ्टी ग्रिल है और बीच में आपको पीछे की तरफ, माफ कीजिएगा, आपको जो ग्लास वाली विंडो है वो भी यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा एसी के पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देखेंगे जब आप एसी लगाएंगे तो एसी के लिए प्रॉपर जो सॉकेट है वो यहाँ दी हुई है दोस्तों। हैवी वायरिंग यहाँ की गई है, क्योंकि एसी के लिए जो वायरिंग है वो हैवी की जाती है, तो यहाँ आपको हैवी वायरिंग मिलती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके साथ अटैच वॉशरूम की। यहाँ दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो करीबन 5 फीट बाय और 5.5 फीट का हमारा ये वॉशरूम है। काफ़ी अच्छी लुक के साथ दोस्तों आपको ये वॉशरूम मिलेगा। आप देखेंगे कि जो टाइल वर्क यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, ड्यूल शेड की बड़ी साइज़ की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। जैसे आपने अगर देखा हो कि बड़े होटल्स के अंदर जैसी फील आती है वॉशरूम्स के अंदर, वैसी ही फील आपको आपके इस वॉशरूम के अंदर आने वाली है। यहाँ जो भी फिटिंग्स लगाई गई हैं दोस्तों वो क्वालिटी की है और स्पेशियस ये वॉशरूम है। इसमें सफोकेशन के चांस भी नहीं है, क्योंकि ऊपर आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है, आपको एग्जॉस्ट लगाने का प्रॉपर प्रोविजन मिलता है, देन दोस्तों सनलाइट भी आपके वॉशरूम तक पहुँचेगी, तो दिन के टाइम आपको यहाँ शायद लाइट की भी ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत प्यारा और अच्छा दोस्तों वॉशरूम आपको ये मिल जाता है। अब हम बात करेंगे हमारी बालकनी के बारे में। ये रूम हमारा वॉशरूम के साथ अटैच है, देन हमारी बालकनी के साथ भी दोस्तों अटैच है। ये दोस्तों हमारी बालकनी है और बालकनी हमारा वॉशिंग एरिया भी होती है, तो यहाँ आपको वॉशिंग स्पेस मिलता है, टैब मिलता है, सीजन सॉकेट मिलती है। देन दोस्तों बात करते हैं हमारी ग्रिल की, तो यहाँ आपको स्टेनलेस स्टील की ग्रिल मिल जाती है, देन टफन ग्लासेस मिलते हैं दोस्तों। टफन ग्लास लगाने के बड़े सारे बेनिफिट हैं, एक तो लुक को काफ़ी अच्छे इन्हेंस करता है, दूसरा दोस्तों टफन ग्लास होने की वजह से ये टूटने का चांस इसका नहीं होता, मतलब बहुत रेयर केस में जब बहुत तेज हीट एक्ट होता है तभी टूटता, अदरवाइज ये कभी नहीं टूटता। और नीचे दोस्तों आपको वुडन की फ्लोरिंग मिलती है, नॉन स्लिपरी टाइल्स हैं, तो ये स्लिप होने के चांस भी इसमें नहीं है। एलिवेशन की अगर बात करें दोस्तों तो प्रॉपर टाइल वर्क आपको मिलता है रूफ हाइट तक, और बहुत अच्छे से दोस्तों इसे डिज़ाइन किया गया है, तो एलिवेशन भी आपकी बिल्डिंग की है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम, और बेडरूम में एंटर करते ही आपको काफी अच्छी फील आने वाली है।
क्योंकि दोस्तों इसमें जो वाइट कलर की टाइल्स लगी हैं, ये वाइट कलर की टाइल्स से काफ़ी अच्छा गेटअप हमारे बेडरूम का मिलता है। इस बेडरूम में भी जो आपके बेड की प्लेसमेंट है ये आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस कोने में आपको 6x6 का बेड लगाने का प्रॉपर प्रोविजन मिलता है दोस्तों। इसमें आपका जो सिराना होगा वो ईस्ट की तरफ होगा और इस तरफ वेस्ट है, तो जो पायदान होंगे दोस्तों वो वेस्ट की तरफ होंगे। तो वास्तु के लिहाज से भी आपका जो बेड है ये बिल्कुल प्रॉपर पोजिशन में रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वॉल की, तो यहाँ अगेन आपको एक डिज़ाइनर वॉल मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लुक आपके बेडरूम को देती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग सीलिंग की, तो इस रूम में भी आपको प्रॉपर सीलिंग के डिज़ाइंस मिलते हैं LED लाइट एंड कॉब लाइट के साथ। दोस्तों पूरी रूफ को कवर किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा गेटअप आपको देती है। इस बेडरूम में भी आपको AC की फिटिंग मिलती है, आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही दोस्तों इंस्टॉल करना है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके आने से पहले आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड वॉशरूम के बारे में, ये भी दोस्तों हमारे बेडरूम के साथ अटैच है। यहाँ दोस्तों हमें हमारा अटैच वॉशरूम मिल जाता है। टाइल्स की अगर बात करें तो नॉन स्लिपी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी खूबसूरत दोस्तों टाइल्स यहाँ आपको मिलेगी। वॉल टाइल्स की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन आपको वॉल टाइल्स का भी मिलेगा दोस्तों। रूफ हाइट तक की टाइल्स है और आप देखेंगे कि नीचे और ऊपर वाइट बेस की टाइल्स का इस्तेमाल है और बीच में ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी टाइल्स आपको मिलती है। यहाँ दोस्तों वॉल हैंगिंग शीट का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो शीट है वो लगाई गई है, तो सालों साल दोस्तों आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली। वेंटिलेशन की बात करें तो ऊपर एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है और इस वॉशरूम के अंदर हर चीज़ की जो प्लेसमेंट है, जैसे गीजर की जगह है दोस्तों, और इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो जो लाइट है वो रूफ पर दी गई है, यहाँ भी छोटी सी फॉल सीलिंग की गई है जिससे कि पूरे जो वॉशरूम है इसके अंदर इक्वली रोशनी आपको मिले। तो ये था दोस्तों हमारा अटैच वॉशरूम जो कि हमारा सेकंड वॉशरूम भी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत जो हमने रखी है दोस्तों बहुत सोच समझ के रखी है, बहुत वाजिब रखी है दोस्तों, आपको नेगोशिएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जो कीमत रखी गई है दोस्तों वो है 23,95,000 रुपये, 23,95,000 दोस्तों इसकी कीमत है। और जितना प्यारा और जितना शानदार ये फ्लैट है दोस्तों उसके मुकाबले ये कीमत कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था 2BHK का बहुत ही शानदार और अल्टीमेट फ्लैट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा दोस्तों। हमारे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव अपने घरों से काम कर रहे हैं दोस्तों आपकी सेवा के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस टाइम को दोस्तों यूटिलाइज कीजिए और आप जल्दी से कॉल कीजिए ताकि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा फ्लैट है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपके सपनों का घर बनने के लायक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, उसी से हमें पता लगता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों प्यार करने में कंजूसी मत कीजिए, और अगर आपने अब तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।